फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग क्या करेंगे, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन 3 अगस्त को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट्स हम लोग को दिखा सकता है। तो जिस तरीके की हमने यहाँ पे कल एनालिसिस किया था कि अगर ये यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फ्लैट ओपन होने के बाद जिस लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे की ओर, ठीक है, हम लोग को टारगेट दिखा सकता है। तो ये फर्स्ट टारगेट के आसपास यहाँ से निकल गया और यहाँ पे इसी जोन में कहीं पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल हुआ है एक दिन में, तो ये कोशिश करेगा इसका 50% रिट्रेस होने की, ठीक है। तो अप्रॉक्स 50% रिट्रेस हो चुका है ऑलरेडी, और ये 50% का लेवल था, हमने फिबो से चेक किया था। अभी ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के देखिए क्या हो सकता है ये केस में, ये यहाँ से प्राइस एक्शन बना के इस तरीके से ऊपर निकल सकता है या फिर इसे प्राइस एक्शन बना के इसको कंटिन्यू करके इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो दो कंडीशन है यहाँ पे और ये बुलिस है, इसका यहाँ पे कंफर्मेशन हम लोग नीचे से मिलेगा। क्योंकि पहला जो एकुमुलेशन जोन था हमारे लिए वो ये एकुमुलेशन जोन था जिसको इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अभी ये सेकेंड एकुमुलेशन जोन बना रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये सेकेंड बॉक्स हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने जो सपोर्ट लिया है, सारे सारे ये चार सपोर्ट लिए हैं, चारों सपोर्ट एक पास से ही लिए हैं। इनका जो यहाँ पे हाई लगा हुआ है ये 590 के आसपास का लगा हुआ है। कल के दिन यहाँ पे एक ऊपर निकलने की कोशिश तो जरूर किया था, लेकिन तुरंत ये यहाँ पे ऊपर वाले लेवल पे सस्टेन नहीं कर रख पाया और अपने आप को नीचे की ओर चला आया, ठीक है। तो अभी ये सही समय नहीं था, इसीलिए यहाँ पे नीचे की ओर चला आया है। हो सकता है यहाँ पे निफ्टी भी आज हॉल्ट किया है, कल के दिन अगर एक दो दिन हॉल्ट करने के बाद ऊपर की ओर निकले और उसके साथ अगर ये एक दो दिन यहाँ पे रुक जाता है और जब निफ्टी यहाँ से निकलता है उसके साथ अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, तो बात मानिए ये जो हमें टारगेट दिख रहा है ये एक दिन में ही हम लोग को 1 से 2 दिन में ही ये पूरा का पूरा टारगेट मिल जाएगा। मतलब कितना, अराउंड 590 से लेके 540, तो हमारे पास जो 50 रुपीज़ का टारगेट है ये एक दिन में ही या एक से ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा, जब यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलेगा तो, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले समय में कैसा करता है। एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि इनसाइड कैंडल बना है या फिर किस टाइप का प्राइस एक्शन सिनारियो यहाँ पे एस्टाब्लिश हुआ है। तो कल जैसा बना था यहाँ पे आज थोड़ा सा ऊपर की ओर निकला है, लेकिन पूरा का पूरा जो इसमें मोमेंटम चल रहा है इस कैंडल के बीच में ही चल रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे इस कैंडल का, अगर इस कैंडल के ऊपर की ओर ब्रेक करके निकलेगा तो एक फिर से यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो सकती है और इसको फिर से 600 तक के आसपास लेके आ सकती है। अगर ये 600 के आसपास आके फिर से यहाँ पे अगर एक दिन भी हॉल्ट करके इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग को यहाँ पे 640 का, जैसे कि हमने पहले ये सारे टारगेट्स डिस्कस कर रखे हैं, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे रेंज बन रहा है क्योंकि मैंने आपको बता रखा था ये ब्रेकआउट लेवल है, तो ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये जो लेवल है ये पहले से एज अ रेजिस्टेंस की तरह 600 का राउंड लेवल भी है, काम कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे की ओर आ जाता है तो फिर नीचे की ओर जो सपोर्ट हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 520 से लेके 510 के बीच में, एंड ऊपर की ओर जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है ये तो 600 के आसपास है, और जो टारगेट हम लोग को मिलेगा 640 का, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखते हैं कल के दिन किस तरीके का प्राइस एक्शन बना सकता है। थोड़ा सा हम लोग अगर ये अपना हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर की ओर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि इसने लास्ट स्विंग जो लगा रखा है यहाँ पे, ये लगा रखा है, इस कैंडल का हाई है 569.9, 570 का हाई लगा रखा है और ये जो लेवल है 572.2 का है। तो कल के दिन अगर ये 570 ये वाले लेवल को अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये इस लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा, ये लेवल है 572, इसका हाई है 572, तो 572.5 को अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा, 572.5 को अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा, तो पहला टारगेट हम लोग को ये देखने को मिलेगा 577 का, एंड जो सेकेंड टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है वो 580 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमारे पास दो टारगेट है ऊपर, 577 एंड 580। अगर ये 572.5 को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो नीचे की बात करेंगे, तो नीचे अगर देखेंगे तो लास्ट स्विंग यहाँ पे आज का ये कैंडल ने लो यहाँ पे लगाया लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दिया है, ठीक है। तो फिर ये जो लेवल है ये अभी भी इम्पोर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा, और नीचे की ओर अगर ये यहाँ पे 556.5 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो सेम टारगेट हमारे अभी भी रहेंगे 553 एंड 551, ठीक है। दो टारगेट हमारे पास नीचे 553 एंड 551, अगर ये 556.5 को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो इस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। लग रहा है एक दो दिन और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद हो सकता है ये ऊपर की ओर निकले। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें, और एक बार जब ये यहाँ से रेंज से बाहर निकल जाए उसके बाद ही कोई भी प्लानिंग करें। इस रेंज से बाहर निकल जाने दें या फिर ऊपर या फिर नीचे, ठीक है, फिर कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं आप अपनी एनालिसिस के बाद।
डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां पे मैं जब भी कोई भी ब्रेकआउट हो रहा होगा तो उसको पोस्ट करूंगा, ताकि आप लोग वीडियो देखने में लेट हो जाता है बहुत बार, ठीक है, हो सकता है कोई 2 दिन बाद वीडियो देख रहा हो, इसलिए ब्रेकआउट वहां पे मैं प्लेस करूंगा। तो क्या होता है कि आप अपनी एनालिसिस के बाद अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।